हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकवे सॉल्यूशन में। आज हम जो UIDAI ने नए नोटिफिकेशन निकाला है उसमें उन्होंने बताया गया है कि सन 2011, 12 और सन 2013 में जो आधार कार्ड बने हैं उसमें अगर अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं किया गया है लगभग कैंसिल हो जाएंगे। तो उसमें हम आज तरीका बताएंगे कि किस टाइप से हमको दस्तावेज अपलोड करना है। हमने पूरी जानकारी हमारे पिछले वीडियो में बताई गई है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको पूरी प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही साथ क्या दस्तावेज लगे हैं उस वीडियो में हमने पूरी जानकारी बताई गई है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। UIDAI के नए नियम के अनुसार हम दस्तावेज अपलोड करना सीखेंगे। इसके लिए हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर डालते हैं UIDAI.gov.in। यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी मातृभाषा चूज़ कर सकते हैं। यह हमारे UIDAI आधार का होम पेज है। आधार कार्ड में मिनिमम डेमोग्राफी या बायोमेट्रिक अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे डेमोग्राफी में अपना नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, फादर्स नेम है, और बायोमेट्रिक में अपना फ़ोटो है, आईरिस है, फिंगरप्रिंट है। इसमें हम बायोमेट्रिक में मिनिमम दोनों में से कुछ एक अपडेट कराना आपको बहुत ज़रूरी है। यह आप आधार सेंटर से भी अप्लाई कर सकते हैं और आप घर बैठे भी इसको अपडेट कर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि हम ऑनलाइन किस टाइप से हम अपडेट करते हैं। इसके लिए UIDAI की एक और वेबसाइट है, myaadhar.uidai.gov.in। हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारी नई वेबसाइट ओपन हो जाती है। ओपन होने पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमको दिखाई देता है। इसमें नीचे यहाँ पर डाउनलोड आधार, PVC आधार, चेक आधार स्टेटस, लोकेट एनरोलमेंट सेंटर, बुक एंड अपॉइंटमेंट, EID जनरेटर, वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल, लॉक आधार, अनलॉक आधार, वेरीफाई आधार, फाइल एंड कंप्लेंट, इस टाइप के ऑप्शन है। हमको ऊपर जाना है और यहाँ पर ऑप्शन है लॉगिन, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर आधार नंबर डालते हैं और उसमें आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको आधार सेंटर से नंबर रजिस्टर्ड करवाने होंगे। और अगर आपको पता नहीं है कि आपके कौन से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो हम आपको आई बटन पर वीडियो दे देंगे, आप वहां जाकर अपना मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं। आधार नंबर डालकर और कैप्चर कोड डालकर लॉगिन करते हैं। यहाँ पर हम कैप्चर कोड इनपुट करते हैं और सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो आधार नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा और OTP यहाँ पर हम इनपुट करते हैं। OTP डालने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं यहाँ पर हमारा कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलता है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपडेट, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ उन्होंने जानकारी दे रखी है, यहाँ पर हम खास पॉइंट आपको बता देते हैं कि यू आर एडवाइज टू स्ट्रेंथ ऑफ योर आधार बाय अपडेशन डॉक्यूमेंट इन योर आधार डेटाबेस बाय सबमिट लेटेस्ट आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। इसमें ऐसा बताया गया है कि हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप आधार के डेटाबेस स्ट्रेंथ के लिए मतलब मजबूती के लिए आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ यहाँ पर अपलोड करें, जिससे हमको जो एक्यूरेसी है आपकी इन्फॉर्मेशन में वो हम आपको प्रदान करें। और इसमें अगर लिखा है अगर आपने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है तो आप इंतज़ार करें उसको अपडेट होने का, या फिर अगर रिजेक्ट हो गया है तो दोबारा आवेदन करें, या फिर उसके अपडेट होने तक इंतज़ार करें। नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस के लिए यहाँ पर क्लिक करें, क्योंकि हम नाम और डेट ऑफ एड्रेस के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, हम वहाँ से जाके अपडेट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम अपने दस्तावेज अपलोड करने के लिए आए हैं। इसका नॉमिनल चार्जेस मतलब इसका चार्ज है वो 25 रुपये हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये हम सर्विस रीड कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं।
यहाँ लिखा हुआ है हाउ इट्स वर्क, यह किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ वेरीफाई इफ़ द डिटेल डिस्प्ले लाइक आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसमें जो मिलते जुलते दस्तावेज जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, ऐसे दस्तावेज ही अपलोड करें। साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दिस स्टेप विल यू आस्क द अपलोड वैलिड, जो आपके दस्तावेज हैं वो वैलिड अपलोड करना है, फ्रॉड वगैरह अपलोड नहीं करना है। इसके बाद की प्रोसेस है आपका पेमेंट करना है, पेमेंट 2500 रुपये मात्र है जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं। यह एडिट करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। हमारी पर्सनल जानकारी इसमें नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और एड्रेस है, ये हम रीड कर लेते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आई वेरीफाई डेट अबाउट डिटेल इज़ करेक्ट, मतलब हमारी जानकारी दर्शाई गई हो सत्य है। हम इस पर टिक करते हैं और हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर गाइडलाइन ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, दस्तावेज अपलोड करने की गाइडलाइन दे रखी है। अधिकतम 2 MB से अधिक का दस्तावेज नहीं होना चाहिए और उसका सपोर्टिंग फॉर्मेट है JPEG या PNG या PDF, इसमें ही आपको अपलोड करना है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में इतने सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, आप किसी कोई भी एक दस्तावेज इसमें से चूज़ कर सकते हैं और उसको अपलोड करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर हम पैन कार्ड अटैच करते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट एडवाइजरी है, इसको हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द पैन मस्ट बी नेम ऑफ द रेसिडेंट, उसका फ़ोटो भी लगा होना चाहिए और वो क्लियर स्कैन होना चाहिए। हम इस पर ओके करते हैं और यहाँ पर हमारे फ़ोटो को ब्राउज़ करते हैं। यहाँ पर हमने पेन अपलोड किया है, यहाँ पर आप पेन देख सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में कोई एक दस्तावेज अपलोड करना है, इसमें हम ड्राइंग लाइसेंस चूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर वही एडवाइजरी दे रखी है कि आपका लाइसेंस एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वो रेसिडेंट के नाम से ही होना चाहिए। इस पर हम ओके करते हैं। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ जो आपने पेमेंट करा है वह नॉन रिफंडेबल है, आपको अगली बार करने के लिए फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर फिर से ड्राइंग लाइसेंस को अपलोड करते हैं। यहाँ पर हमने ड्राइंग लाइसेंस अपलोड किया है। अब हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आई हेयर बी गिव माई कंसेंट डेट इट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अपलोड बाई मे बी सब्जेक्ट टू वेरीफिकेशन एट एनी स्टेज बाई गवर्नमेंट, मतलब हम यहाँ से अपनी कंसेंट दे रहे हैं, हम एग्री कर रहे हैं कि आप जो भी दस्तावेज हम अपलोड कर रहे हैं वो करेक्ट है, गवर्नमेंट वेरीफिकेशन के लिए हमको इससे कोई परेशानी नहीं है। हम इस पर टिक करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक और बार कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है कि प्लीज़ कंफर्म योर डेमोग्राफी डिटेल डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली मैच ऑफ योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार, जो आपने दस्तावेज आपने अपलोड किए हैं वो आपके आधार के अनुसार ही हैं। हम ओके करते हैं। इसके बाद ये प्रोसेस पेमेंट पर जाती है। पेमेंट के लिए हम यहाँ पर आई एग्री करते हैं और मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। पेमेंट में इतने सारे ऑप्शन हैं, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। कार्ड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, वैलेट है, नेट बैंकिंग है, UPI है और साथ ही साथ पेटीएम भी है। आप जिसमें यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। हम UPI ID पर क्लिक करते हैं और पेमेंट प्रोसेस करते हैं। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यह हमारी वेबसाइट पर पुनः रिडायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमने एक्नॉलेजमेंट स्लिप ये हमारे डाउनलोड कर ली है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हम आपको दिखा नहीं सकते। कुछ दिनों की, लगभग 3 दिन से 90 दिनों के बीच आपके दस्तावेज प्रोसेस में समय लगता है। जैसे ही आपका दस्तावेज वैलिड हो जाते हैं आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप की और टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है, आप वहाँ जाके भी हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।